ये एक्सरसाइज 1.4 एट्थ क्लास मैथ चैप्टर 1 रेशनल नंबर Q2 चैप्टर ए है। क्वेश्चन 2, वेरीफाई एक्स डिवीजन वाई नॉट इक्वल टू वाई डिवीजन एक्स। जी मैंने अभी आपको समझाया, अभी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव, जहां हमने वेरीफाई करना भी वाक्य बात सही है। लो फर्स्ट पार्ट, एक्स की वैल्यू 5/7, वाई की वैल्यू -3/4 है। एक्स की वैल्यू जहां एक्स डिवीजन वाई जे लेफ्ट हैंड साइड इसमें पुट कर देते 5/7 डिवीजन -3/4। अब जहां डिवीजन करना है साइन एज मल्टीप्लीकेशन, इसका इनवर्स लिख दो 4/-3। कटता तो है नहीं, 5 × 20 = 21 आ गया। माइनस ऊपर भी लिख दो आगे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, -20/21। डिनोमिनेटर में हम लिखते नहीं क्योंकि कई बार एलसीएम वगैरह भी लेना पड़ता है। इन स्टैंडर्ड हम जहां ऊपर लिख देते हैं न्यूमरेटर पर, जहां आगे लिख देते हैं। अब वाई डिवीजन एक्स, इसकी वैल्यू पहले लिखते हैं -3/4 डिवीजन 5/7। जहां डिवीजन का साइन मल्टीप्लीकेशन, इसका इनवर्स लिख दो 7/5। जब साइन चेंज करके इसका इनवर्स लिखना जी बात याद रखनी है। 7/5 कटता तो है नहीं, -3 × 21 = 5। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है जे -21/20। तो जे वैल्यू थी -20/21, जे वैल्यू -21/20 जे इक्वल नहीं है। देयर फोर एक्स डिवीजन वाई नॉट इक्वल टू वाई डिवीजन एक्स। लो अगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका, क्वेश्चन टू का। एक्स की वैल्यू -7/10 दी है, वाई -5/12। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे फिर राइट हैंड साइड में। एक्स डिवीजन वाई -7/10 डिवीजन -5/12, जहां माइनस था मैंने ब्रैकेट में रख दिया, इक्वल टू जहां साइन चेंज किया ये है -7/10। ये मल्टीप्लीकेशन, इसका इनवर्स लिख दो 12/-5। ये कटता है 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। -7 × 42 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 7 × 42 = 5 × 5 = 25, 42/25। अब वाई की वैल्यू पहले लिखेंगे, वाई डिवीजन एक्स, ये वैल्यू मैं पहले लिख दूंगा -5/12 डिवीजन -7/10। -5/12 ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड, तो इसका इनवर्स लिखूंगा 10/-7, काट दो 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। -5 आप जहां भी काट सकते हो, चलो मान लो मैं जहां नहीं काटता, मैंने एक स्टेप और किया हुआ ना, जहां ऐसे लिख लो 10/12 भी ऐसे आगे काट लेते हैं। ये बन गया -5 × 10/12 × -7, जहां काट दो 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। ये बन गया -5 × 5 = 25 × -6 = 42, माइनस से माइनस ये कट जाएगा तो 25/42 आ गया। जहां 42/25 था, जहां 20/5/42, ये एक जैसी वैल्यू नहीं आई। जहां भी काट सकते हो ऐसे भी काट सकते हो, अगर जहां काटोगे तो एक स्टेप हमारा ये कम हो जाएगा। ये समझाने के लिए मैं फालतू कर रहा हूं, ये कई बार बच्चों समझ नहीं ना लगती बच्चों को, इसलिए मैं एक्स्ट्रा करके आपको अच्छी सरल तरीके से समझा रहा हूं। देयरफॉर एक्स डिवीजन वाई नॉट इक्वल टू वाई डिवीजन एक्स, क्योंकि दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। थर्ड पार्ट, एक्स की वैल्यू -3/4 है, वाई की वैल्यू -9/16 है। वही रिजल्ट ही वेरीफाई करना हमने जो जहां था ऊपर ये वाला। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पहले वैल्यू डालते हैं, एक्स की वैल्यू -3/4 है, वाई की वैल्यू -9/16 है। एक्स डिवीजन वाई -3/4 डिवीजन -9/16, ये आ गया -3/4 इंटू जो मल्टीप्लाई किया तो इसका इनवर्स लिखेंगे 16/-9। अब काट दो 4 × 16 = 3, 3 × 3 = 9। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ये वैल्यू आ गई 4/3। ये स्टेप काट दो बीच में, इसकी जरूरत नहीं। फिर अगर आपने जहां ही काट दिया तो सीधा ही लिख दो इक्वल टू 4/3, 1 × 4 = 1 × 3। माइनस से माइनस कट गया। अब वाई डिवीजन एक्स, वाई की वैल्यू पहले लिख दो -9/16 डिवीजन -3/4। -9/16 डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन, इसका इनवर्स लिखो -4/3,
लो अब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 3 एकम 3, 3 तीये 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 एकम 3 न्यूमरेटर में, 4 एकम 4 डिनोमिनेटर में, 3/4 है। चाहे एक स्टेप ऐसे अलग एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, -9 × -4/16 × 3, जो मैंने जहां काट दिया क्योंकि ऊपर काट दिया था ना, अगर ऊपर किया तो इत जहां भी कर लो फिर जरा अच्छा लगता है। तो जहां 4/3 आंसर आया था, तो जहां 3/4, ये आपस में इक्वल नहीं है, देयर फोर एक्स डिविजन वाई नॉट इक्वल टू वाई डिविजन एक्स। कहने का मतलब रैशनल नंबर को अगर आप इंटरचेंज करके डिवाइड करते हैं तो एक जैसी वैल्यू नहीं आएगी।